गाइस केवल तो जॉर्ज क्या के हाल पास चाल है। है आप सभी लोगों के। वेलकम बैक टू माय चैनल वैम गेमिंग। आई नो काफ़ी टाइम बाद चैनल पे एक्टिव आया हूँ। थोड़ा टाइम छोड़ दिया था, काफ़ी टाइम मतलब हो गया नहीं यूज़ किया यूट्यूब वगैरह, सिर्फ देखने और चले जाना। तो गाइस आज हम खेल रहे हैं पबजी, पबजी मोबाइल। और अभी हम उतर रहे हैं जॉर्ज पुल तीनों टीम प्लेयर्स के साथ। लेट्स सी कितनी स्क्वाड्स आई हैं। मेरा टीम प्लेयर चिल्ला तो रहा है पीछे से कि एक स्क्वाड, दो स्क्वाड, तीन स्क्वाड। मैंने नहीं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे घुस के रश करना है इस टाइम पे। और केडी वेडी की कोई ऐसी फिक्र विकर नहीं है, क्योंकि केडी ना पिछले सीज़न मेंटेन हुई ना इस सीज़न होनी है मेंटेन। तो अभी सब यहाँ से लूटने लगा, और मुझे पता था मेरे टीम प्लेयर्स मुझे कुछ नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वेयर हाउस। और वेयर हाउस एंटर होते ही थॉमसन और गेस M4। और क्या चाहिए किसी को रश के लिए, क्लोज रेंज एंड इवन लॉन्ग रेंज के लिए। मेरे पास दोनों गन्स भाई मिल टॉमी गई, मिल गई। तो मेरे को आराम से, मैं यहाँ पे टीके को लेने लगा। मेरे को बड़ी गोलियों की आवाज़ आने लगी, तो राइट साइड पे वेयर हाउस पर बंदा आएगा। मैंने वहाँ पे उसको देखा, मैंने 1 सेकंड वेट किया, मैंने कहा चलो लेट्स डू इट, रश सीधा घुसने लगा। आराम से जा रहा हूँ, मेरे को पीछे से वेयर हाउस से भी फुटस्टेप्स आए, और इसके पीछे कंटिन्यूसली फुटस्टेप्स आने शुरू हो गए। अगले आराम से मैं लूट रहा हूँ, और इवन मेरे को कोई वो चीज़ का नहीं हो रहा था कि बंदे हैं वो मार्क कर रहे हैं, वहाँ बंदा है वहाँ बंदा है। और मेरे को, मैं सिर्फ फुटस्टेप्स पे फोकस करता हूँ। अगर आपको खेलना है तो बिल्कुल फुटस्टेप्स पे फोकस करा करो, बिकॉज इतना ज़्यादा वो मत हुआ करो कि यहाँ बंदे, मतलब नंबर एक जितना नंबर रहेगा। घबराओगे उतना नहीं अच्छा खेल पाओगे। तो मैं आराम से निकल रहा हूँ, और देखो नन्हे पुन्ने पैर दिखे मेरे को किसी के, ठीक है। मेरा देखो टीम मेरा प्लेयर टीम मिल चिल्ला रहा है, गया। मेरे पे बंदा, मेरे पे बंदा। मैंने कहा ठीक है, मेरा आओ। और मेरे को राइट साइड से एक फुटस्टेप्स आए, मैं घुसा, रिलोड किया, मैंने और एक बंदा हो घुसते ही रहा प्री फायर के साथ मत समझना, मेरे पास कुछ नहीं है, और है। वहाँ हमारा अबे टीम हेड प्लेयर मारे नॉक भी हो यार, चुका क्यों नहीं है। मरता यार। तो मेरे को पता है वो वहाँ पे नॉक हो गया। मैं पीछे जाता हूँ, विदाउट एक और हेलमेट फुटस्टेप्स, हेड मारे और यार ये सब ये। बॉस बॉस थे तो ऐसे छोड़ अमन वोड़ एक बंदा के। मेरे पे आ मेरा गया, मैं फिर यहाँ पे मैं आराम से, अब कहाँगी। देखो मैं आराम से लूट रहा हूँ, और मेरा टीम प्लेयर चिल्ला रहा है पीछे कि मेरे पे आओ, मेरे पे बंदे, हाँ मेरे भाई पे आओ, मेरे पे बंदे। हेल्प बट मैंने कहा चल दे। ठीक है, उसने मार दिया, तो मैं आराम से लूटने लग गया। तो ठीक है, हम इसने हमने बंदे बंदे मार के यहाँ से सब क्लियर करा। जॉर्ज पुल में कोई ज़्यादा खास बंदे आए नहीं थे यहाँ पे। जो ने देखा होगा ना तो जो इसने मारा स्क्वाड आया उसको था भाई, वो तो राइट साइड पे एक पैक भाई पीछे आया बॉय तो था, मैंने इसको तो हेड उनमें मारे यार से एक, क्या हमने विदाउट तीन बंदे, हेलमेट, दो बंदे हेलमेट तीन में था बंदे इसके मार पास। दिए थे उनके, बस ये एक्चुअली फर्स्ट उसने एड या एक मारा बैंडेज था, दो वगैरह, मारे थे रियल, और एक आधा एक बंदा टीम और में था मेरे मेरे टीम पास। प्लेयर ने मार दिया था जो पीछे चिल्ला रहा था, और एक बॉट दिखता है। मतलब बॉट बॉट ज़्यादा आए थे, ज़्यादा इसमें कोई था नहीं, पर यार मैं उसको मार रहा था। सरप्राइजिंगली एक ऐसी चीज़ होने वाली है, बेचारा उसको पता ही नहीं, वो बेचारा इतना ओपन होके घूम रहा है विदाउट हीलिंग करे हुए। और यू नो टीम प्लेयर्स सिर्फ लूटना लूटना एंड ऑल कुछ नहीं खास। तो हम थोड़ा यहाँ से निकलते हैं जॉर्जो पुल वो मेरे वगैरह बंदा से, बहुत सब खड़ी है क्लियर क्लियर करके बिल्कुल भाई, मेरे निकलने को की दिख सोच ही रही रहा था। पीछे मेरा टीम प्लेयर चिल्लाता है मेरे पे मेरे बंदे, बंदा। मैंने कहा इस पे बंदे कहाँ से आ गए। मैं देख रहा हूँ आराम से वॉच लूटता आउट, हुआ, मैं देख रहा हूँ लेफ्ट साइड बिल्कुल मुड़ता हूँ, और एनिमी अभी स्पॉटेड, जाने लगा हूँ उसके अ पास। रियल उसको दिस टाइम। आवाज़ आई मेरे पे बंदे, मैंने मार करा बंदा इस पे बंदे। चलो मैं गया, मैंने लेफ्ट देखा क्लियर है, राइट देखते ही था बंदा छुप के बैठा हुआ आराम से। चलो बहुत इसको मेरे घर फिनिश पे करा, आ आई गया, डोंट नो, अब मुझे नहीं पता ये बॉट था रियल था, जिस हिसाब से छुप के बैठा था लिटरली एक गोली मेरे का हिसाब यार, से, जितना मेरे वो को लगता बॉट था। और वहाँ लेफ्ट पे वो भाई अपना साहब के ऊपर ही पास टेक घूम रियल रहा है बंदा छुप यार। के बैठा हुआ है, और वो नॉक फिनिश एक साथ बिना टाइम लगाए। तो यहाँ पे अब मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा मेरे को फ्लैंक करके जाना पड़ेगा, और मैं आपके लिए थोड़ा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, बिकॉज इतना टाइम आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि अरे मेरे को यार बड़ा भाई टाइम मेरे पास लगाया था इस हेल्थ बंदे नहीं थी, को नहीं तो देखने मार में, देता क्योंकि उसको, एक हमारा उसके टीम प्लेयर तो सारे ऊपर पॉइंट टॉवर मेरे पे को हो चढ़ गए। के बैठा हुआ था, ना हिलने का अरे नाम ले भाई रहा था ना कुछ। तो ठीक है, हम, मैंने कहा चल ठीक है फ्लैंग मारना ही अरे पड़ेगा, मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया आपके लिए। तो मैं पूरा फ्लैंग मार के उसकी तरफ जाने का देख रहा था कि कैसे मेरे को बंदे के फुट स्टेप्स है, जो मेरे को समझ आए कि बंदा कहाँ पे है। मैं पूरा फुटस्टेप नेट में वेट करने का कोशिश करता हूँ, बट बिल्कुल फुट स्टेप्स नहीं, और मैंने कहा मैं मार्क वेस्ट नहीं करूँगा लोकेशन, नीड्स वगैरह। वॉच आउट। तो उसके बाद तुम मैं यहाँ यहाँ पे से जाओ निकलता हूँ इस कंटेनर्स के अंदर, घूम फिर के मैं पूरा देख रहा हूँ, मेरे को बंदे के ये फुट पीछे स्टेप्स है आए, मेरे, बंदे के फुट स्टेप्स आए, और बंदे के फुट स्टेप्स आते हैं राइट साइड से। या फोन तो बोले मैं यहाँ से फंस बस गया, ये गया मेरा टीम प्लेयर वहाँ पे। और अब आप ये वॉच कोइंसिडेंस आउट। देखना कि वो हमें दोनों को मार सकता था इवन, अभी आप देखना इवन दोनों को वो एक ही स्प्रे पे ले जाता, बट आई डोंट नो मैं कैसे बचा, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया। मेरे को लेफ्ट से फुट स्टेप्स आए, मैं वहाँ देखने के लिए गया, मैंने यहाँ देखा, बंदा इतना तेज, आई मीन इतना अच्छा खेल रहा था वो उस टाइम पे। ये मेरा टीम प्लेयर देखो राइट साइड से गया, मुझे बंदा नहीं देखा, इसने
किसी को दिखा? नहीं, सरप्राइज, वो नॉक और वो बुरा। मैंने प्री फायर दिया, मैं यहाँ मुड़ने लगा, मैं फंस गया, मैं गया। मैंने प्री फायर फिर प्री फायर दिया क्योंकि मुझे पता था अगर मैं अंदर क्लोजिंग करता और बंदे को कोई गोलियां वोलियां ना मारता तो वो मेरे को मार देता रश करके, क्योंकि उसे पता था मैं अकेला हूँ। मैं पूरा घूमता हूँ, उसको पूरा घुमा फिर आगे पागल बनाता हूँ कूद कूद के कि मैं इधर हूँ मैं इधर हूँ। वो बंदा 5 मिनट के लिए इतना कन्फ्यूज हो जाता है कि उसे करना क्या, उसे यही नहीं समझ आता। वो इतनी देर से इधर उधर पूरा देखता रहता है देखता रहता है। मैं भी इधर उधर घूम ही जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक्चुअल में समझ नहीं आ रहा था। वहाँ से मेरा टीम प्लेयर कह रहा है कि बंदा यहाँ है यहाँ है, यहाँ से मेरे को फुटस्टेप्स अलग आ रहे हैं। आई डोंट नो कि क्या हो, कहाँ था कहाँ नहीं आया। और जिस साइड से आप ये देखना मैं निकला हूँ ना, वो उसी साइड से आएगा। मतलब आप ये देख लेना, मैं अपने टीम प्लेयर पर इवन स्मोक करता हूँ कि मैं उसको बचा लूँगा। और अभी आप देखना मेरे को गंदी वाली, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं लगा। ये देखो इतना गंदा जिगल दिया इसने मुझे, इतना ज़्यादा गंदा जिगल दिया। मैं इसको पूरा नॉक फिनिश कर देता हूँ क्योंकि मुझे एक और बंदे के फुटस्टेप्स आ रहे थे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बैठ के हीलिंग लगाता हूँ क्योंकि मेरा टीम प्लेयर मर चुका था और मुझे नहीं समझ आया वो कैसे मरा, कि वो ऑटोमेटिक उसकी हेल्थ लो होती गई तो चला गया कैसे। तो फिर वहाँ से निकल के बिल्कुल बॉट वॉट सब क्लियर क्लियर करके मैं निकल जाता हूँ आगे जॉर्जपुल वाली साइड्स पे। और यहाँ पे मेरे को आती बग्गी की साउंड। मैं पीछे उतरता हूँ, उतर के फायर देने की कोशिश भी करता हूँ और उतने भी बंदे पीछे चले जाते हैं। मैं निकालता हूँ और बंदों ने इतना कुत्ता स्प्रे दिया मेरे को, इवन मेरे समझ ही नहीं आया। मैंने कहा यहाँ रोकता हूँ, हील करता हूँ, और यहाँ भी स्प्रे पड़ रहा है मेरे को, गाड़ी मेरी फटने वाले हालातों में। और सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी कि मैंने यहाँ रोक दिया। अब आप एक सेकेंड ये देख लो, मैं हील लगाने लगा हूँ, हील करने लगा हूँ सॉरी, और हील करते ही एक सेकंड का डिले नहीं उनका रश सामने। मैंने नेट करा, प्री कुक नेट कर दिया। मैंने कहा चल ठीक है आते उनके फायर, और बंदे इतने तेज, मैंने प्री फायर दिया M4 का और ये भाई साहब फिनिश, बिकॉज उनके पास थी एडवांटेज।